इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ पहले सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, और रुदौली की ये गय्यूर और जाबाज आवाम जिंदाबाद। आज आपने रुदौली की तारीख को दोहरा दिया है और यहाँ की सरजमीन से जुड़ी हुई यादें हैं। फैजाबाद और अवध की जो तारीख है उसको आपने जिंदा करने का काम किया है। आज शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तमाम मजलूमों की, पिछड़ों की, नौजवानों की, किसानों की, मुसलमानों की आवाज बन करके संसद से लेकर के सड़क तक अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप किस्मत वाले हैं। आप अपनी किस्मत पे नाज करें, फख्र करें कि आज वो आपके बीच में तशरीफ लाए हैं। वो आए हैं हमारे घर में, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। मोहतरम हजरात, जो हमारा ये शिकवा था कि हमारा कोई लीडर नहीं, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हमारी कोई जमात नहीं, हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारा कोई कायद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में हिंदुस्तान को एक ऐसा लीडर दिया है जो संविधान को बचाने वाला भी है, जो पांच वक्त का नमाजी भी है, जो परहेजगार भी है, जो ईमान वाला भी है, जो संविधान की बात करता है, जो आपके हुकूक की बात करता है, जो मजलूमों की बात करता है, जो जालिम की आंख में आग डाल करके ये कहता है कि हम अपने हक को छीन लेंगे। आज ऐसा लीडर, आज ऐसा रहनुमा, आज ऐसा बेबाक कायद हमारे बीच में आया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। देखो देखो कौन आया।